शराब की लत ऐसी कि एक बार जुबा से लग जाए तो फिर जाती नहीं है। बिहार में 1 अप्रैल 2016 से शराब की बिक्री, उसका सेवन सब कुछ प्रतिबंधित है। बिहार सरकार शराब तस्करी रोकने में करोड़ों का संसाधन खर्च कर रही है। आए दिन शराब की बड़ी खेप भी पकड़ी जाती है, लेकिन बिहार में शराबबंदी कितनी सफल है, शराबखोरी कितनी रुकी है, ये एक बड़ा सवाल है। शराबबंदी के बाद बिहार में जहरीली शराब से सैकड़ों लोग मरे, लाखों लोग जेल में हैं। ग्रामीण इलाकों में स्मैक, चरस और गांजा ने अपना साम्राज्य कायम कर लिया है। अब एक बार फिर से बिहार में जहरीली शराब ने कहर बरपाया है, तो चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं। बिहार में 2016 से शराबबंदी तो लागू है, लेकिन आए दिन कोई ना कोई ऐसा मामला सामने आ ही जाता है जो शराबबंदी की पोल खोलता है। एक बार फिर से कुछ ऐसा ही हुआ है नीतीश कुमार के बिहार में, जहां पर जहरीली शराब ने घरों को उजाड़ दिया है। दरअसल सारण जिले के छपरा में एक शख्स की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई, जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिले के मशरक के बहारीपुर गांव में 15 अक्टूबर की रात शराब पीने से एक युवक की मौत हुई। जानकारी के मुताबिक जहरीली शराब की वजह से दो लोगों की आंख की रोशनी भी छिन गई। इधर सारण की सीमा से सटे सिवान जिले के भगवानपुर प्रखंड के बिलासपुर में भी 3 लोगों की मौत की चर्चा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक जिले के भगवानपुर थाने के कौड़िया गांव में मंगलवार की रात 3 लोगों की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हुई है। पुलिस ने 2 शव बरामद किए हैं। कहा जा रहा है कि एक शख्स के शव को परिजनों ने जला दिया। परिजन जहरीली शराब पीने से मौत होने का आरोप लगा रहे हैं। यहां डीएम और एसपी जांच के लिए घटनास्थल पर रवाना हो चुके हैं। अभी प्रशासन इन मौत की गहराई से जांच पड़ताल कर रही है। धड़ल्ले से खुल रही शराब की दुकानें। बिहार में भले ही शराबबंदी है, लेकिन जहरीली शराब को लेकर खबरें आती रहती हैं। और हम आपको जो खबर बताने जा रहे हैं उसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। जी हाँ, मुजफ्फरपुर जिले में पुलिस कप्तान के पुलिस लाइन आने जाने वाले रास्ते में खुलेआम शराब बेची जा रही है। ये जिला बिहार के वर्तमान DGP का गृह जिला भी है। इतना ही नहीं, पीने वाले बैठ कर पीते हैं, आराम से चलते बनते हैं। अवैध कारोबारियों की चांदी है, वे छोटे छोटे क्लाइंट को शराब बेच रहे हैं, वे ले जाकर किसी और को पिला रहे हैं, बदले में पैसा भी ले रहे हैं। इस तरह से बिहार में शराबबंदी है, लेकिन दुकान खुली की खुली है। लगातार बिक रही है शराब। शहर के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में लगा एक कर्मचारी अवैध तरीके से शराब बेचता हुआ पाया गया। बकायदा उसके पीने पिलाने की व्यवस्था भी रखी थी। स्थानीय लोगों ने 112 पर इसकी सूचना दी। इसके बाद भी पुलिस हरकत में नहीं आई। इसके उलट शराब माफिया झील के किनारे चल रहे सौंदर्यीकरण कार्य में रखे सामान की चोरी कर भी शराब गटक जाते हैं। प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्थानीय लोग बताते हैं कि कहां शराब नहीं मिल रही है। मुजफ्फरपुर में जब पैसा दीजिए शराब हाजिर। पुलिस का शराब बंदी पर नहीं है ध्यान। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट इंचार्ज शैलेंद्र सिंह बताते हैं कि वे यूपी से यहां आए हैं। यहां सुने कि शराबबंदी है, लेकिन वे रोजाना देखते हैं कि खुलेआम शराब की बिक्री की जाती है, लोग पीते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। उधर पुलिस के सुस्त होने की शराब माफिया का मनोबल बढ़ा हुआ है। आराम से भी शराब सप्लाई मजदूरों के बीच जारी रखे हुए हैं। कुल मिलाकर दीपक तले अंधेरा वाली बात है। ज्यादा बोलने पर पीने वाले लोग चाकू निकाल लेते हैं, मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। सिर्फ कागजों पर ही शराबबंदी। पूरे मामले को लेकर नगर थाना प्रभारी शरद कुमार का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, जांच के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन किया जा रहा है, दोषी पर कड़ी कार्रवाई होगी। अब सख्ती कैसी है वो तो साफ तौर पर समझ में आ रहा है। हालांकि पीने वाले मजदूर तबके के लोग हैं, जिनके बारे में जीतनराम मांझी कहते हैं कि सिर्फ गरीब जेल जा रहा है। अधिकारी अपने कमरे में रात को 2 पैक जरूर लेते हैं। इसी शराबबंदी को हटाकर इसके पैसे से प्रशांत किशोर बिहार में शिक्षा का अलख जगाने वाले हैं। फिलहाल बिहार में शराबबंदी पर कागजों पर दिख रही थानेदार का ऑडियो वायरल। दूसरी तरफ शराबबंदी वाले बिहार में पुलिस का गजब का कारनामा सामने आ रहा है। दरअसल बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने की जिम्मेदारी जिनके कंधे पर है, अब वही लोग आदमी भेजकर शराब की बिक्री खरीद करवा रहे हैं। दरअसल इन दिनों शराब खरीदने गए युवक और थानेदार के बीच हुई बातचीत का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वायरल ऑडियो में व्यक्ति अपने थाने के थानेदार का आदमी बता रहा है। वह थानेदार को फोन कर कहता है कि सर मुझे शराब खरीदना है, मैं जगह पर पहुंच गया हूं, आप फोन पे से ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। लेकिन इस बात पर थानेदार कहते हैं कि मैं फोन पे यूज नहीं करता हूँ, थाना आकर पैसे ले जाओ। वह इस दौरान थानेदार आदमी से पूछते हैं कि कौन शराब है,
शराब है देशी या फिर विदेशी शराब है। उनका आदमी कहता है कि नहीं सर, फ्रूटी पैक मिल रहा है। शराब के अड्डे पर पहुंचा व्यक्ति कहता है कि सर हम गुड्डू बोल रहे हैं। इधर से थानेदार कह रहा है कि बोलो, तो उधर से व्यक्ति बोलता है कि सर हम मुसहरी टोला में दारू लेने आए हैं, लेकिन पास में कैश नहीं है। थानेदार पूछते हैं कौन दारू मिल रहा है, देशी या विदेशी। उधर से युवक बोलता है कि सर फ्रूटी मिल रहा है, इससे नंबर पर 200 रुपया पे फोन पे कर दीजिए। इधर से थानेदार बोलता है कि हम फोन पे यूज नहीं करते, थाना आकर रुपया लेकर जाओ। ये किसका नंबर है? उधर से युवक कह रहा है कि मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, दूसरे का नंबर लेकर अलग हट करके फोन कर रहे हैं। ठीक है, फिर थाने आकर पैसे ले जाओ। एसपी ने दिए जांच के आदेश। यह वायरल ऑडियो सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रहा है। वायरल वीडियो मलाही थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो थानेदार एक गुड्डू नाम के आदमी के बीच बातचीत का बताया जा रहा है। वायरल ऑडियो मामले में एसपी श्वर्ण प्रभात ने अरेराज डीएसपी को जांच करने का आदेश दिया है। कैसे लागू हुई शराबबंदी? क्या आपको मालूम है कि सबसे पहले बिहार में शराबबंदी को लेकर लोगों ने कहां से विरोध करना शुरू किया था? बिहार की उस धरती से सबसे बड़ा शराबबंदी करने को लेकर विरोध हुआ था, जिस धरती से जयप्रकाश नारायण थे। दियारा की धरती से शराबबंदी आंदोलन के नायक माने जाने वाले समाज सेवी और प्रख्यात गांधीवादी और पर्यावरण विद्वान मनोहर मानव ने शराब के खिलाफ बिगुल फूंका था और बिहार के सभी जिलों में महिला, युवा और बुजुर्गों से शराब बंद करने को लेकर जागरूक करने को कहा था। शराब माफियाओं के ऊपर बोला धावा। हजारों महिलाओं ने भी उनका साथ दिया। महिलाओं ने साथ ही नहीं दिया बल्कि शराब बंद करने के लिए छपरा में टोलिया के साथ बिना किसी प्रशासन पुलिस के शराब माफियाओं के ऊपर हमला बोल दिया। जहां से शराब माफिया शराब बनाना छोड़कर फैक्ट्री से भाग खड़े हुए। यही नहीं, महिलाओं ने यहाँ कई शराब भट्टी को ध्वस्त भी कर दिया। इस हौसले को देख कर कई और महिलाएं शराबबंदी आंदोलन में जुड़ गई। छपरा की शताब्दी द्वारा से 2009 में शुरू किए गए शराबबंदी आंदोलन ने बिहार में बृहद रूप धारण कर लिया। आखिर में माननीय और महिलाओं की मांग पर नीतीश सरकार ने 1 अप्रैल 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू कर दी। शराबबंदी के बाद कितने केस हुए दर्ज? बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद पुलिस प्रशासन और उत्पाद विभाग ने अवैध शराब का सेवन करने वालों और अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर जमकर कार्रवाई की है। दोनों विभागों ने 69,216 छापेमारी कर 12,495 मामले दर्ज किए। 19,501 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। अवैध शराब का सेवन करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई में दोबारा शराब पीने वाले 22 व्यक्तियों को सजा भी दिलाई गई है। मद निषेध विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल 2016 से अब तक उत्पाद विभाग और पुलिस विभाग की तरफ से 69,216 छापेमारी की गई है, जिसमें उत्पाद विभाग ने 23,562 और पुलिस विभाग ने 45,654 छापेमारी की है। छापेमारी के बाद उत्पाद विभाग ने 6,793 और पुलिस विभाग ने 5,702 मामले दर्ज किए हैं। दोनों विभाग के कुल 12,495 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 19,501 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। यहाँ यह भी समझ लीजिए कि जिले में देशी शराब से ज्यादा विदेशी शराब की बरामदगी हुई है। छापेमारी में 73,103 लीटर देशी शराब जब्त किया गया है, जबकि 69,477 लीटर विदेशी शराब जब्त किया गया है। 65,107 किलो जावा महुआ भी जब्त हुआ है। अवैध शराब के व्यापार में प्रयोग ले जा रहे 430 वाहनों को भी जब्त किया गया है। इसमें से पुलिस विभाग ने 375 और उत्पाद विभाग ने 55 वाहन जब्त किए हैं। अब तक शराब से जुड़े 35 मामलों में सजा सुनाई गई है, जिसमें से पुलिस विभाग ने दर्ज 27 मामले और उत्पाद विभाग ने दर्ज 8 मामले शामिल हैं। अवैध शराब के कारोबार में प्रयोग में लाए जा रहे 430 वाहनों को जब्त किया गया है। इसमें से 229 वाहनों को राज्य सात कर नीलाम कर दिया गया है। 22 वाहनों को जुर्माने की राशि जमा करने के बाद छोड़ दिया गया। वाहनों की नीलामी से 84,52,831 रुपए भी मिले हैं। शराब के कारोबार में प्रयोग में ले जा रहे 70 मकान और भूखंड को भी जब्त किया गया है। यानी कुल मिलाकर बिहार में शराबबंदी सिर्फ और सिर्फ कागजों पर ही है। इसकी सच्चाई अब सबके सामने आ गई है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।
हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।